सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार। मैं हमारे साथ में जो अतिथि बैठे हैं इस वक्त, मैं पहले उनको मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। हमारे साथ हैं किशोर नावंदार जी, हमारे साथ हैं मिक्की कुमार जी और रूपस कलकत्ते साहब। किशोर जी जो हमारे साथ हैं ये ब्लू बिलियन ग्रुप के CEO है और नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड अकेडमी जो चैरिटेबल ट्रस्ट है इसके हित चिंतक है। हर कामों में, हर चीज़ों में हमारे साथ में रहते हैं और अपना योगदान करते हैं। ये मिक्की कुमार जी हैं, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं और अच्छे समाज सेवक भी हैं, मार्शल आर्ट में भी काफ़ी नाम है इनका। ये भी हमारे जो ट्रस्ट में इंटरनेशनल गवर्नर की जगह पे हैं और हर बार ये भी हमारे बहुत योगदान रहता है, बहुत सपोर्ट रहता है। आप रूपस कलकत्ते जी हैं जिनकी 2-3 जनसेवा और 1-2-3 NGO हैं इनके, ये भी हमारे हित चिंतक है और हमारे साथ में रहते हैं, बहुत सारा काम में हमको सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। तो ये थे हमारे अतिथि। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार टाक, मैं चेयरमैन हूँ नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट का। नेल्सन सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड 2021 जो कि मुंबई स्थित सहारा स्टार होटल में होने जा रहा है और ये 30 तारीख को है, शनिवार को, 30 अक्टूबर शनिवार शाम 5 बजे। नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड के हम 4 कार्यक्रम कर चुके हैं। हमारा पहला कार्यक्रम मुंबई में हुआ था, दूसरा कार्यक्रम हमारा हुआ था गोवा में, तीसरा पुणे में हुआ था और चौथा हुआ था ताज होटल अहमदाबाद में। इस अवार्ड में स्पेशल हमारे पास में ये चीज़ है कि हर अवार्ड में हमने अलग अलग यूनिवर्सिटियों से लोगों को हॉनरेरी डॉक्टरेट दिए हैं, लेकिन इस बार ऐसा है कि नेल्सन मंडेला नाम तो हम चला ही रहे साथ में, लेकिन हमारा ये सौभाग्य की बात है और मुझे कहते हुए बेहद खुशी हो रही कि इस बार हमारे साथ में सेंट मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी जो कि UK से है वो हमारे साथ में जुड़ चुकी है। ये खुशी की बात है हमारे लिए और आने वाले जो हमारे अवार्डीज हैं उनके लिए भी खुशी की बात है और सम्मान की बात है कि नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड अकेडमी की तरफ से उनको नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड मिलने जा रहा है और हॉनरेरी डॉक्टरेट, जो सम्मानित डॉक्टरेट की जो पदवी होती है वो उनको सेंट मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी UK से मिलेगी जो कि एफिलिएटेड है JBR हार्वर्ड और कैम्ब्रिज डिस्टेंस एजुकेशन UK, जिस तरह से आप देख रहे हैं। तो इस तरह से ऑनरेरी डॉक्टरेट मिलने वाली है। इस बार कुछ हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जिनको हम नेल्सन मंडेला पीस यूनिवर्सिटी से ह्यूमन एक्सीलेंस गोल्डन अवार्ड देने वाले हैं, जिसमें सबसे प्रथम है हमारे किशोर नवंदार जी। और इस बार जैसे कि आप जानते हैं कि चारों प्रोग्राम आप हमारे साथ में रहे हैं, आप लोगों को पता है कि सेलिब्रिटीज़ और मिनिस्टर्स और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी होती है, इस बार हमारा सबसे अच्छी हाईलाइट ये है कि इस बार हम लोग एक 8 कंट्री के जनरल काउंसलेट को हमने आमंत्रित किया है और वो हमारे इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप सेलिब्रिटी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो महान म्यूज़िक डायरेक्टर श्री अनु मलिक जी हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं। उसके बाद में जो न्यू जनरेशन के जो आइकॉन हैं आदित्य नारायण साहब जो कि उदित नारायण जी के बेटे हैं वो आ रहे हैं। तीसरा महालक्ष्मी अय्यर जो कि बहुत अच्छी सिंगर हैं वो भी इस बार हमारे प्रोग्राम में आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं राजकुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, आपसे इंट्रोडक्शन दिलवाई। जैसे कि आपने अभी कहा था कि नेल्सन मंडेला अवार्ड, पीस अवार्ड, ये बहुत बड़ी एक जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे कहते हुए बेहद खुशी है कि राजकुमार जी के कंधे पे वो बहुत अच्छे से टिक गई है एंड ही इज़ टेकिंग फॉरवर्ड दैट लीगेसी। आई एम बीइंग फॉर्चुनेट इनफ टू रिसीव नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड इन अहमदाबाद, विच वॉज द लास्ट फंक्शन ऑफ राजकुमार जी, और इस बार उन्होंने मुझे मेरी हौसला अफजाई करके यहाँ पर इन पैनल ऑफ चीफ गेस्ट बुलाया है। मेरा ये मानना है कि इनका सिलेक्शन पैनल और इनका हर फील्ड के योगदान के व्यक्तियों को आगे लाना, उनका अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट करना ताकि वो और अच्छा कर सके। जैसे कि लास्ट टाइम उन्होंने उदित नारायण जी को बुलाया था, इस बार उन्होंने उदित नारायण जी के बेटे को बुलाया। सो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक ही
कैटेगरी के लोगों को ले सकते हैं. सो मुझे ऐसा लगता है कि हर बार ही इज रेजिंग द बार, एंड ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना अपने आप में एक उपलब्धि है. और हर आदमी अपनी अपनी तरफ से सोशल सर्विस करता है, बट जब उसे एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो ज़्यादा अच्छे से कर पाता है. सर, आप क्या प्रेजेंट हैं, आप बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं. इट्स एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल अवार्ड शो विच इज़ कॉल्ड नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2021. एंड आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर राजकुमार टाग जी. And he's very humble and he's very kind person. Thank you. The way he is, I really love him a lot. And I have seen Nelson Mandela जो काम कर रही है आज, चाहे वो ऑर्पनाग हो, चाहे वो child के लिए हो या women empowerment के लिए हो, and there are many. So it's really honor for me to be a part of this wonderful mission. And I would like to congratulate to all the awardees and delegates. And thanks to Mr. Rajkumar ji. Thanks for having me here. Sir, आप भी आप प्रेजेंट हैं, आप बताइए नेल्सन मंडेला इस अवार्ड के बारे में क्या कहेंगे आप. सबको नमस्कार. और सबसे अच्छी बात है कि नेल्सन मंडेला अवार्ड, पीस अवार्ड जो है, जो राजकुमार टाग जी के माध्यम से जो सचमुच में जो गरीब लोग हैं, जो सचमुच में काम कर रहे हैं, जिस हद तक जो कमेटी के लिए, सोसाइटी के लिए जो काम कर रहे हैं लोग, उन लोगों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने आम लोगों तक या जो एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं वहाँ तक नेल्सन मंडेला जो पीस अवार्ड है वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाए, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन रीति से जेन्युइन लोगों तक वो पहुँचाने का काम जो है वो कर रहे हैं. तो इसलिए मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच में जो पीस अवार्ड, जो नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड जो दे रहे हैं वो बहुत ही जो लोगों ने काम किया है, एक्चुअल में लोगों ने काम किया है और वो करते हैं समाज के लिए, जिनका योगदान है उन लोगों तक पहुँचने का काम है नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड की तरफ से वो कर रहे हैं. तो इसलिए मैं उनका तहे दिल के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. थैंक यू सो मच. सर, राजकुमार सर, चूँकि आपने बताया कि 30 तारीख को बहुत ही बड़े लेवल पर है, कैटेगरी क्या क्या होगी अगर आप बता सके. सर, नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड की जो कैटेगरीज है वो सोशल वर्क है, इंटरप्रेनर है, बिजनेस में जो लोग, देखिए एक चीज़ में कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूँ. आज तक हमारी जो पीढ़ी है या आज तक हम लोग लोगों को इतना ही मालूम है कि किसी को दान देने से, किसी को रोटी देने से या किसी को कुछ डोनेशन देने से ही समाज का काम होता है. लेकिन ये ऐसा, ये गलत है करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन किसी को रोजगार देना भी एक सोशल वर्क है. जैसे कि सर किशोर जी भी एक अच्छे ग्रुप के मालिक है और बहुत सारे हज़ारों लोगों का घर इनके वजह से चलता है, वैसे ऐसे भी अतिथि आज हमारे पास में हैं जिनको हमने बिजनेस में भी अवार्ड दिया है, जिनके वजह से कुछ लोगों का घर चल रहा है. तो सबसे पहले कैटेगरी हमारी सोशल वर्क है, सेकंड हमारी कैटेगरी एंटरप्रेनर है, दूसरी हमारी स्पोर्ट्स है, तीसरी हमारी आर्ट एंड कल्चर है, पांचवा हमारा जो बॉलीवुड में जो सेलिब्रिटीज़ है, म्यूज़िक है हमारा, उसमें बाद में सिंगिंग है. तो बहुत सारी कैटेगरी सर, देर आर 84 कैटेगरीज जिसमें हम अवार्ड देते हैं. सर, जैसा कि आपने बताया कि ढेरों सारे स्टेट में आपने ये नेल्सन मंडेला ग्लोबल पीस अवार्ड आपने किया, आप मुंबई में भी कर रहे हैं आप, तो हम ऐसा माने कि ये बहुत बड़े लेवल पर आप इस अवार्ड को, नेल्सन मंडेला इस अवार्ड को लेकर जाना चाहते हैं आप. सर, ये साल में हर बार एक नए नए स्टेट में होता है, ठीक है. अब 2 साल के बाद में थोड़े से हम आज़ाद होके, आज सब खुल चुका है, तो हमने अपनी मुंबई माया नगरी जो हमारी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, हमने इसको फिर यहाँ पे लेके आके हम एक 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 स्टेट में दूसरी बार नहीं जाते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द लव ऑफ मुंबई और मुंबईकर्स के प्यार के लिए हम वापस यहाँ पे कर रहे हैं. अमची मुंबई. सो मुंबईकर्स के प्यार के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, सब कुछ खुल गया तो मुंबई के लोगों को यहाँ पे आके जुड़ के थोड़ा सा उनको अच्छा लगेगा इस बार, इसलिए हमने मुंबई में रखा है. मैं कुछ एक दो चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि 2 साल से लोग कोविड के कारण हताश और निराश थे. मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जब से हमने जनवरी से ये प्रोग्राम हमने जब स्टार्ट किया, तो जो हमारे पास अवार्डी थे
ये उनके स्टेटमेंट थे कि ये इस हताश और निराश रहने के टाइम पे इन्होंने इतना अच्छा प्रोत्साहन लोगों को एक देने का काम किया, हौसला अफजाई की, और दे आर वेरी मच हैप्पी कि भाई कोविड के बाद बाहर निकल के भी कुछ एक नई चीज़ हमको देखने को मिली और हमारा सम्मान हुआ है और हम लोग उत्साहित है। नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड एकेडमी चुन चुन के नवरत्नों को लेके आती है। हमारे अवार्डी पद्मश्री भी होते हैं, ऐसे बिजनेसमैन भी होते हैं, समाज सेवक भी होते हैं, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं। हमने संग्राम सिंह जो हमारे इंडियन रेसलर हैं उनको अवार्ड दिया, हमने जरीन खान को अवार्ड दिया, हमारे जो प्यारे और महान जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनके जो भाई है प्रहलाद भाई मोदी, उनको भी हमने अवार्ड दिया पुणे में, और हमारे महान संगीतकार गीतकार हमारे उदित नारायण जी, हमने उनको दिया, हमारे महान गीतकार कुमार शानू जी को दिया, पलक मुच्छल को दिया, तो ये सारे लोगों को हमने अवार्ड दिया। इवन स्पोर्ट्स से भी अगर आप देखें तो हमने पुणे में धनराज पिल्ले साहब को अवार्ड दिया और वो लोग बहुत खुश हैं, प्रोत्साहित है इस चीज़ों से। सो ये नेल्सन मंडेला यही काम करती हैं कि और भी अनसीन हीरो है, ऐसे लोग हैं जो कस्बों में, खेड़ों में, गांव में रहते हैं, उन्होंने बहुत काम किया लेकिन उनको मीडिया नहीं मिलता, उनको एक्सपोजर नहीं मिलता, उनको एक स्टेज नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि उनकी कला को कोई देख सके। इस बार अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र में जो नववारी साड़ी रनर है मृणाल इनामदार जी, वो हमारे इसमें अवार्डी है, और इस बार अगर आप देखेंगे तो अपने भारत के एक महान योग गुरु है नितेश कुमार जी, वो इस बार हमारे अवार्डी है। तो ऐसे नवरत्नों को चुन चुन के लेके आके हम उनको अवार्ड देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं ताकि और भी वो समाज में जाके काम करें। और आज जो ये ऐसे इस तरह के नवरत्न जो हम लेके आए चुन के आए, ये हमारा सौभाग्य है कि इन चीज़ों में ये सारे लोग हमारी मदद करते हैं। सो मैं धन्यवाद देता हूँ इन सभी को फिर से एक बार कि ये अवार्ड के लिए ये लोग सारा चीज़ टाइम देते हैं अपना और 100% लगाते हैं, तो मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड एकेडमी की तरफ से सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर जोशुआ इमैनुअल जी का, डॉक्टर विजय सिंह पाटिल का, डॉक्टर राज काले साहब का जो कि हमारी कमेटी है, डॉक्टर किशोर नवानदार जी का, डॉक्टर मिक्की कुमार का, डॉक्टर रूपस कलकत्ते का, ये जो हमारी टीम है मैं इनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और हमारे मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। तो सर अगर किसी को चाहिए है ये डिग्री चाहिए तो क्या किस तरह से आप किस तरह संपर्क करें कोई चीज़? सर हमारा ऐसा कोई कमर्शियली कोई चीज़ नहीं होती है हमारा, हम लोगों को टैलेंट को हम हुनर को हम सलाम करते हैं, ये सम्मान हुनर के सलाम करते हैं हम। तो जो कोई भी हुनर जिसमें है, जिन्होंने अपना हुनर दिखाते हैं, कुछ इन्वेंशन किया है समाज में, उनका कुछ भी योगदान है, तो ऐसे लोगों को हम खुद उनके पास जाते हैं। हाँ हमारा फेसबुक पे पेज है, वो पेज पे जाके आपका जो भी प्रोफाइल है आप वो प्रोफाइल दीजिए। हमारी ज्यूरी है, हमारे ज्यूरी में किशोर जी है, वो भी अच्छे पैनल पे है, ये हमारे ज्यूरी में भी है। ऐसे जो नवरत्न है ये चुनते हैं लोगों को और फिर उनको वो लेटर भेजते हैं, उनको बुलाते हैं और हम उनका सारा चीज़ टेक केयर करते हैं सर। इट इज़ नॉट एनी कमर्शियल, ये कोई कमर्शियल नहीं है, हम तो उनके सारी देखभाल करते हैं। इवन कुछ जो हमारे पास अवार्डी है उनके पास में तो टिकट का भी पैसा नहीं था, तो उनको टिकट का हाँ तो भेज के हमने बुलाया लोगों को। सो ये बात है सर, सर हमारा प्लानिंग है ना सर, हम दुबई में करने जा रहे हैं, हम मालदीव में करने जा रहे हैं, हम रशिया में करने जा रहे हैं, हम थाईलैंड में भी करने जा रहे हैं, ये इंडियन चैप्टर खत्म होने के बाद हम बाहर मूव करेंगे। मैं इंडियन लोग कहीं हमारे एनआरआई बाहर है, हाँ वो भी सेवा कर रहे हैं, वो लोग हाँ आते हैं ना, वो भी आते हैं, एनआरआईज भी आते हैं, और इस बार कुछ एनआरआईज आपको दिखेंगे। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है, उनका वीजा और कोविड के जो रिस्ट्रिक्शन रूल के वजह से मैं नाम नहीं चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे एनआरआई आ रहे हैं और बड़े बड़े नाम है, आप देखेंगे आगे उनको कि आप खुश रहेंगे उस चीज से। ओके ठीक है, मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको गेस्ट के बारे में बता दूं, अगर आप बॉलीवुड से बात करते हैं तो अनु मलिक जी है, फेमस म्यूजिक डायरेक्टर, आदित्य नारायण जी है, यूथ आइकॉन अभी के जो सिंगर भी है और म्यूजिक भी ये करते हैं और एक्टर भी हैं, और महालक्ष्मी अय्यर है,
जो कि बहुत अच्छी गीतकार है हमारे भारत देश की, वो आ रही। ये तो बॉलीवुड से हो गया। और हमारे पास में 6 कंट्री के जनरल काउंसलेट और 2-3 कंट्री के हॉनरेरी जनरल काउंसलिस्ट वो भी आ रहे हैं। मैं चाहिए तो कंट्री का नाम भी आपको मैं बता सकता हूँ। हाँ नहीं, ये प्रेस नोट में डाल चुका, सस्पेंस की बात नहीं है। you can see, आप इसमें से देख सकते हैं, निकाल लीजिए आप, ठीक है ना। सभी को शुभकामनाएं और सभी के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु उनको आशीष करे, परमात्मा और भी उनको तरक्की में लेके जाए। हमारा मार्केट में हम किसी से कंपटीशन के लिए नहीं है। अगर हमसे भी वो अगर कुछ मदद लगे तो हम उनको मदद करेंगे और हम चाहेंगे कि वो हमसे भी आगे बढ़े। शुक्रिया।